तरफ सरकार एक शेर की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और तुम लोग भाव को खबर दे देते हैं मुंबई का पुलिस अफसर इधर आ रहा है। मेरे बच्चे को कहीं जानवर तो नहीं उठा के ले गए? अयो लगता है अपना बाबू को गया है जी। तेरे सर से ना ये स्पेस का भूत उतरेगा ही नहीं। देख कम हो, तुम सबने उसकी ताकत देख चुके हो। तू जिंदगी देता भी है और जान लेता भी है। जंगल का राजा कौन? राठौर साहब। ये हलकट तो अपने आप को जंगल का राजा बोल रहे हैं। बच्चों को सब ढूंढ रहे हैं और बच्चे कहाँ हैं? वो तुझे पता चल गया है? अच्छा बच्चों को सब ढूंढ रहे हैं और बच्चे कहाँ हैं? वो तुझे पता चल गया है? अगर तुझे किसी को नहीं बताया ना तो शायद बच्चों को आफत आ जाएगी। और बाबू वो कहाँ है, कैसे है, अभी तक पता नहीं चला। मुझे अम्मी जान को बताना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मुझे अम्मी जान को बताना पड़ेगा मुझे अम्मी जान को। जीबा, मेरे बच्चों की जान खतरे में, मासूम बाबू सबके साथ, और उन सब की वजह मैं हूँ। मैं उनकी कसूरवार हूँ। ना मैं उनको सैर के लिए यहाँ लेकर आती और ना ही मेरे बच्चों पर ये मुसीबत आन पड़ती। बेटी उनको बचा ले, उनको बचा ले। आंटी आप बिल्कुल भी परेशान मत। आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने तुरंत सर को फोन कर दिया था और उन्होंने अपनी डीआईजी की मीटिंग कैंसिल करके यहाँ आने के लिए निकल भी चुके हैं और इनफैक्ट वो तो यहाँ पहुँच भी चुके होंगे। मगर आंटी आपको अच्छी तरह याद है ना कि किसी ने भी आपको यहाँ ना आने की धमकी या खबरदार किया हो? हाँ? किसी ने? मैं समझी नहीं। आंटी मशहूर है कि इस दुनिया में फसाद और जंग की तीन खास वजह हैं, जर, जमीन और जन। जर का मतलब है सोना और जमीन का मतलब है प्रॉपर्टी और जन का मतलब है औरत जात। आपकी सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है। आंटी कहीं आपके बेटे ने तो आपको किसी भी तरह की धमकी तो नहीं दी? नहीं, और मैं क्या उससे डरने वाली हूं? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे लोगों की जान को मुसीबत में डाल दिया है? इसका तो सिर्फ एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंगल की अंधेरी रात में कुछ गहरा राज छुपा है और वो राज हम किसी भी तरह से जान कर रहेंगे। अयो हम लोग रास्ता भटक गया जी, अब घर कैसे जाएगा और ये डरावनी काली अंधेरी रात। अबे रजनी अपा, ये रात है ना सारी जिंदगी के लिए नहीं है, और जो मुसीबत में खुद डर जाता है उसकी मदद तो खुदा भी नहीं करता है। अबे वो देखना लाइट दिख रही है ना, अपन जाते हैं उधर, देखते हैं क्या है वहाँ। चलो Ha 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 ha
क्या है इसमें, क्या लाया है? आपने जो बोला था सब लाया हूँ साहब। वाह 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 वाह, तू तो दिन रात कमाल करता जा रहा है रे, हैं? इसी तरह कमाल दिखा और पैसे ले जा। इस जंगल में जो हमसे टकराएगा वो जान से जाएगा। साहब फॉरेस्टर साहब भी तो को मार दिया, गला दबाकर मारा है। बड़े अच्छे आदमी थे पर थे बड़े जिद्दी। अब उनको कौन भगवान के पास भेजा ये तो वही जाने। अरे वो कैसे बता सकते, वो तो शांत हो गए, एकदम शांत। बड़े अच्छे आदमी थे लेकिन जंगल में राउंड बहुत मारते थे। उनकी आत्मा को शांति शांति। बोल क्या ला इसमें, गेंडे का सिंह या शेर की खाल? साहब अब गेंडे का सिंह कहां मिलता है राठौर साहब? क्या कह रहे, मैं तुम्हें पैसे कम देता हूं? नहीं। बोल बोल, कम देता हूं पैसे तुझे? मैंने सुना है कि तू दूसरों को सामान बेच रहा है। नहीं है? नहीं क्यों साहब? अच्छा साहब, ये एक हाथी का दांत है, काफी अंदर से लाया हूं, पकड़े जाने का डर होता है। अपना दो आदमी भी पकड़ा गया है शहर में। दो आदमी पकड़े गए? जो डर गया समझो मर गया। शोले का डाला गया समझा। सुन, गेंडे का सिंहला समझा, डबल दाम मिलेगा डबल समझा। और वो तेरा शहर का दो आदमी जो पकड़ा गया है वो भी छूट जाएगा। मैंने ऐसा जाल बिछाया है, अब देखता जा। अबे ये लोग तो स्मगलर है बे, ये फोन करते। बे कमाल करता है यार, फोन कहाँ है अपने पास फोन लगाने के लिए, साला ये कमू भी नहीं है। अयो चुप करो जी। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, ए, पकड़ उसको, भागना मत, भागना मत। ये, चल, चल। चल इधर, चल 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 छोड़ दो ना साहब, सब प्लीज छोड़ दो ना साहब, प्लीज साहब छोड़ दो ना साहब। राठौर साहब ये बच्चे कौन है? ये बच्चे जो भी हो इनके टुकड़े टुकड़े करके मैं इनके घर पहुंचाऊंगा। क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली हैं और सब कुछ देख भी लिया है। ले जाओ उनको, ले चलो, चल चल, ले जाओ उसको, चल चल, 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 चल।
अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक एक पल की खबर आपके बेटे को। मत ले उसका नाम, वो मेरा बेटा नहीं है। अगर वो मेरा बेटा होता तो। आंटी अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, सर पुलिस स्टेशन गए हैं और अजगर उस जगह को देखकर आया है जहां बच्चे दिखे हैं। अजगर क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ मैडम, आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं जेवा, तुम नहीं जाओगे। एक तो लड़की जात, ऊपर से घना जंगल। आंटी हम अपनी जान फर्ज के लिए कुर्बान करने में सोचते भी नहीं हैं। और फिर जंगल में साजिशों का खूबसूरत जाल बिछा हुआ है और आपकी दुआ से मैं और आरिफ उस जाल को काट कर ही रहेंगे। चलो असगर। जी मैडम। या अल्लाह इनकी मदद करना। सेवा ठीक कह रही थी, प्रॉपर्टी को लेकर भी ये सब हो सकता है। औलाद का खून इतना सफेद हो जाएगा, ये तो कयामत की निशानी है। मिस्टर आरिफ, ओहदे में हम दोनों एक ही स्टेटस पर हैं, इसीलिए ना आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं ना मैं आप पर हुक्म चला सकता हूँ, समझ गए? देखिए मिस्टर राठौर, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है और आप जानते हैं उन बच्चों की जान खतरे में, और फिर भी आप। तो किसने कहा था उन्हें जंगल में जाने के लिए? आपको पता है वो जंगल कितना खतरनाक है? वहां के रेंजर को मारकर फेंक दिया गया और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी हत्या किसने की है। और ये छोकरे, इन्हें जंगल में जाकर जेम्स बॉन्ड बनने के लिए किसने कहा था? मिस्टर राठौर आप देखिए, मिस्टर आरिफ आपको जो करना है वो कीजिए, मगर कानून के दायरे में रहकर कीजिएगा। आप कानून के मुहाफिज जरूर हैं मगर कानून मत तोड़िएगा, वरना आप भी जुर्म में शामिल हो जाएंगे। मिस्टर राठौर अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी है तो ना करें,
वैसे एक बात बताइए, क्या आप किसी राठौर नाम के शख्स को जानते हैं? उसने जंगल में तस्कर का जाल बिछा रखा है और हमारे मुल्क के कीमती खजानों का स्मगल कर रहा है। वैसे मिस्टर आरिफ, मेरा नाम भी यशवंत राठौर है, कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? नहीं मिस्टर राठौर, हमें अपने पुलिस महकमे पर नाज है। ये अपनी वर्दी के लिए सर तो कटा सकते हैं, लेकिन अपनी वर्दी पर बदनुमा दाग नहीं लगने देंगे। ये वर्दी जिंदगी में शान से जीना सिखलाती है और यही वर्दी मौत के बाद कुर्बानी और बलिदान का मिसाल बन जाती है, समझे मिस्टर राठौर? बाय द वे, आई हैव ट्रस्ट यू। एक मिनट मिस्टर आरिफ। मिस्टर आरिफ, मैं भी वहीं हूं जहां आप हैं। मैंने कानून के मुहाफिजों को हमेशा सलाम किया है। अभी अभी आपने जिस राठौर का जिक्र किया ना, वो यरवदा जेल से भागा हुआ मुजरिम है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो मेरे निशाने पर नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं मिस्टर राठौर, अब एक निशाना नहीं बल्कि दो दो निशाने लगेंगे, एक मिस्टर राठौर का और एक आरिफ का। जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो मिस्टर राठौर, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जय हिंद। जय। सबसे पहले तुमको, नहीं मैं पहले, मैं पहले भाई। तुम सबको एक दूसरे की जान बचाने का ढंग पता है। अरे कालिये जल्लाद की औलाद, मारना है तो अपुन को मारना, पहले मारना साले। तुझे इतनी जल्दी मरने की क्यों है? क्योंकि अपुन को तेरे चेहरे से घिन आता है। घिन तू सारे फसाद की जड़ तो ये है। ये दादी अम्मा, दादी अम्मा। बाबू, बाबू कहाँ हो तुम? अख्तर, जानी, मासूम, कहाँ हो मेरे बच्चे? या अली, मदद कर, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। कहाँ हो तुम बच्चों?
कोई नहीं।